नमस्कार, रफ्तार मीडिया में आपका स्वागत है। मैं सम्राट। राजधानी रायपुर में नगर निगम में यूनिपोल में हुए 27 करोड़ के घोटाले को लेकर महापौर ने जांच टीम बनाकर घोटाला करने वाले के खिलाफ जांच करवाने का आदेश दिया था। बता दें कि यूनिपोल मामले में पिछले महीने 27 करोड़ के घोटाले का मामला प्रकाश में आया था। जांच टीम इस दौरान अधिकारियों और विज्ञापन एजेंसी से 17 बिंदुओं पर जवाब मांगा था। आज एजेंसी और अधिकारियों द्वारा 17 बिंदुओं पर जवाब प्रस्तुत किया गया। महापौर ने जवाब के आधार पर विज्ञापन एजेंसी को क्लीन चिट दे दिया है, तो वही अधिकारियों की संलिप्तता में महापौर ने स्वीकार किया है। घोटाले में संलिप्त अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात महापौर ने कही है। फिलहाल संलिप्त अधिकारियों की जानकारी अभी तक महापौर ने साझा नहीं की है। जो इसके अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उससे हमने 17 बिंदुओं पर उससे हमने जवाब मांगा था। वो संपत्ति वापस ना लेके 1.5 साल में ही उसका टेंडर करके फिर उसको 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया। बहुत सारे ऐसे उससे अनियमितताएं पाई गई जिसमें वो टेंडर के लिए एलिजिबल ही नहीं था कि हमें 50 करोड़ रुपए का नुकसान रायपुर नगर निगम को हुआ है। क्योंकि मुझे लगता है कि इसमें एजेंसी से ज़्यादा हमारे अधिकारी, हमारे कर्मचारी ज्यादा इसमें मुझे लिप्त दिखाई देते हैं। जब अपना सोना खोटा हो तो हम सोनार को क्या दोष देंगे। हमने इसमें जांच दल बनाया, जांच दल बैठाया, गलत हुआ है तो कोई नहीं, कोई भी नहीं।